हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि जल्दी आप लोगों का हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के बीच लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम आने वाला है, मतलब कि अगस्त की समथिंग हम लोगों की डेट है और हम लोगों की हिंदी की तैयारी करवाइए, प्रैक्टिस सेट लाइए। और दोस्तों, इसके साथ साथ मेरे को कमेंट देखने को मिलते थे कि सर हमारे बिहार सिपाही एग्जाम में भी हिंदी से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके लिए कुछ तैयारी करवाई नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपकी आज क्लास फर्स्ट है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, आप लोगों को बाकायदा तैयारी करवाई जाएगी और आप लोगों को प्रैक्टिस भी भरपूर कराई जाएगी। बट आप लोगों के फ्रेंड्स सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, अपने भाई मित्रों को बताएं, जिनको आवश्यकता है उन तक यह वीडियो पहुंचाएं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमारी क्लास फर्स्ट है जिसमें हम वर्णमाला को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें, आपकी ये क्लास डेली आपको प्रत्येक सुबह मॉर्निंग में मिलेगी 8 बजे। ओके, प्रत्येक सुबह 8 बजे आपको एक क्लास मिलेगी, बाकायदा अटेंड करिएगा। और विश्वास रखिए, यदि आप इन सारी क्लासेस को अटेंड कर लेते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, फिर आपका एग्जाम कोई भी हो, चाहे फिर आपका बिहार दरोगा हो, बिहार सिपाही हो, या फिर आप अदर स्टेट के एग्जाम को भी देख सकते हैं, MPSI, UPSI, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आप हिंदी का एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज का विश्वास रखिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आते ही खाने इसको सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं और आज की स्टार्ट करते हैं हम क्लास को, और वर्णमाला आपका आज फर्स्ट चैप्टर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट टॉपिक जैसे कि मैंने बताया है आपको, वर्णमाला है। अब दोस्तों, वर्णमाला तो आप सभी को पता ही होगा कि आखिरकार वर्णमाला कहते किसको हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो वर्णों के एक सुव्यवस्थित, या आप लोगों को बता दें वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। अब दोस्तों, वर्णमाला दो चीजों से मिलकर बनती है, उनको बोलते हैं क्या, स्वर और व्यंजन। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, हिंदी वर्णमाला में जो शुरुआती वर्ड होते हैं, जैसे कि आ आ, ई ई, उ उ, रि सी, ए आई, ओ औ, अम आहा, इनको हम क्या बोलते हैं, स्वर। और जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, का खा घा, यहाँ पर इन सारे वर्णों को बोलते हैं क्या, व्यंजन। आप यहाँ पर इन चीजों को नोट भी कर लीजिए, और आप लोगों का जब वीकली टेस्ट होगा तो आपको इसका PDF प्रोवाइड कराया जाएगा बाकायदा। तो आप टेंशन ना लें, जो पढ़ेंगे आपके पास बिल्कुल अच्छे से पहुंच जाएगा, ताकि आप रिवीजन भी कर सकें। दोस्तों, आपसे बार बार क्वेश्चन आते हैं कि मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हर एक चीज को, कि आखिरकार स्वर किसको बोलते हैं, व्यंजन किसको बोलते हैं, या फिर अक्षर क्या है आप लोगों का, या फिर शब्द किसको बोलते हैं, इन सभी चीजों को हम जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे दोस्तों, आप आगे आएंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्या, अक्षर। जी हाँ दोस्तों, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि अक्षर क्या है, इसकी डेफिनेशन बताइए। तो दोस्तों, आपको बता दें, मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहा जाता है। जो ध्वनि आप मुख से उत्पन्न करते हैं, फिर ध्वनि कुछ भी हो, उसको क्या बोलते हैं, अक्षर। यह भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, विशेष ध्यान देना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो क्या है, आपकी अक्षर। ओके, और कभी पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वो रहेगी वर्ण। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे वर्ण की डेफिनेशन,
ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस ध्वनि को आप लिखते हैं उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई मानी जाती है। विशेष ध्यान देना, यहाँ पर लिखित इकाई पूछे तो वर्ण है और छोटी इकाई पूछे तो अक्षर है। चलिए आज आपको समझ में आया होगा कि अक्षर क्या है, इसकी परिभाषा देखी, वर्ण क्या है। इन चीजों को दोस्तों अच्छे से माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि यही चीजें आगे चलकर अखरती हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप माइनर सी मिस्टेक में एक नंबर गवा देते हैं। आप यहीं पे इकाई में ही बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। छोटी इकाई में कभी पूछ ले लिखे तो आप अक्षर की करके आ जाओगे, कभी अक्षर की पूछे तो आप लिखित की नहीं कर पाओगे। इसलिए दोनों में अंतर आना आवश्यक है ना। चलिए आपको बताता हूँ आगे नेक्स्ट क्या है। शब्द, अब शब्द किसको कहते हैं? तो दोस्तों, जब दो या दो से अधिक वर्ण सार्थक रूप से मिलकर कोई एक निश्चित क्या है, आगे बढ़ते हैं, निश्चित अर्थ देते हैं, तो उसे हम शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और निश्चित अर्थ देते हैं, शब्द देते हैं, तो उसे हम शब्द कहते हैं। कोई निश्चित अर्थ दें, जब वो आपस में मिले, निश्चित अर्थ दें, तो हम उसको क्या बोलते हैं? शब्द। यह भाषा की सबसे छोटी लिखित अर्थपूर्ण इकाई मानी जाती है। अब दोस्तों देखिए, इकाई इकाई में कितना डेफिनेशन, कितना अंतर आया, आपको समझ में आ रहा होगा। अक्षर की बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई, यदि हम वर्ण की बात करें तो लिखित सबसे छोटी इकाई, और यदि हम शब्द की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि लिखित अर्थपूर्ण इकाई मानी जाती है सबसे छोटी। तीन इकाइयां हो गई, तीनों का अंतर आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे बात की है जब दो वर्ण आपस में सार्थक मिले, जैसे कि रा और मा। जी हाँ दोस्तों, जब दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पर एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है, जिसे बोलते हैं राम। इसका अर्थ है सार्थक है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार ध्वनियां होती कितने प्रकार की हैं। तो दोस्तों, ध्वनियों को दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एक तो क्या है? स्वर ध्वनि, और एक है क्या? व्यंजन। जैसे कि मैंने आपसे आपको शुरुआती में बताया है कि आप लोगों की जो वर्णमाला है, इसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। मैंने आपको गिनाया भी था। अब यहाँ पर और अच्छे से जानते हैं विस्तार से कि आखिरकार स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं स्वर। वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख से वायु में निर्बाध गति से, मतलब कि बिना बाधा के निकलते हैं, स्वर कहलाते हैं। या फिर यहाँ पर यूं ही बोल सकते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जो बिना किसी सहायता के लिखे या बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इनकी संख्या मूल रूप से टोटल 11 है। अच्छे से याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या मूल रूप से कितनी है, तो यहाँ पर आप 11 लिख सकते हैं, जो कि निर्धारित की गई है ना। ओके, आपको समझ में आया है? मतलब वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख से वायु में निर्बाध गति, मतलब कि बिना रोक टोक, जैसे कि यदि आप आ बोलेंगे, आ आ ए ओ बोल के देखिए, बिल्कुल जरा सी भी कहीं पे आपको रुकावट नाम की कोई चीज महसूस नहीं हो रही होगी। आप आ बोलेंगे तो पूरा मुंह खुलेगा, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होगी। आप आ वाला आ बोलेंगे, ई बोलेंगे, ऊ बोलेंगे, आपके मुंह में ऐसा लगेगा मानो जो शब्द अपने आप ही बाहर आ रहे हो, कोई रुकावट महसूस नहीं होती। यही बात यहाँ पे बोली गई है। वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख से वायु में निर्बाध गति, मतलब कि जो आपकी वायु निकल रही है मुंह से, इसमें कोई विघ्न नहीं आ रहा है, कोई बाधा नहीं आ रही, डायरेक्टली मुंह से निकल रही है, उनको स्वर बोलते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही बोला है दूसरी डेफिनेशन में कि वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जो बिना किसी लिखित आपके बिना किसी सहायता के लिखे या बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आगे और क्या है, व्यंजन को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से यहाँ पर आप स्वरों को देख लीजिए, चूंकि मैंने बताया है मूल रूप से यहाँ पे 11 हैं। यहाँ पे आ आ दो हो गया, ई ई चार हो गया, उ 6 हो गया, ऋषि 7, ए आई ओ औ यहाँ पर 8, 9, 10 और आपका 11। जे हैं आपके क्या? स्वर।
इसी प्रकार से हम जानते हैं आपके व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण वायु में संवाद गति से हो रहा है या निकलते व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जिन चीजों में रुकावट होती हो, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, या फिर आप इसकी सेकंड डेफिनेशन भी देख सकते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से लिखे या बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। आप यदि व्यंजन को देखेंगे तो व्यंजन स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, और स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से लिखे या बोले जाते हैं आपके व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी है? 33। कभी आपसे पूछ ले कि व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी है वर्णमाला में, तो आपको बताना है 33 है। और व्यंजन वे वर्ण है जो स्वरों की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं, मतलब कि यदि आप यहाँ पे का लिखेंगे तो का सिर्फ ना की का है, ए आ से मिलकर बना है। ओके, ऐसे में तो जी आधा का ही होता है, लेकिन जब इसमें आ मिल जाता है, आ जो कि स्वर है, तब जाके जी क्या होता है? पूर्ण का होता है। ओके, आया आपको समझ में कि का भी स्वर से मिलकर बना है, एक व्यंजन ही का, इसमें जब आ मिल गया तब जाके ये पूरा का बना है। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आ गया हूं। यहां पर हम देखते हैं क्या? स्वरों का वर्गीकरण। अभी हमने जाना व्यंजन और स्वर होते हैं, लेकिन स्वर भी यहाँ पर वर्गीकृत किए गए हैं अलग अलग पंडितों के द्वारा, अलग अलग जानकारों के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से, जो कि जाने माने हैं और इनकी परिभाषाएं डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। इन्होंने जो बोला है, अब इन्होंने क्या? मूल स्वर और संधि स्वर। दोस्तों अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप चाहें तो नोट भी बना सकते हैं नोट्स, और नहीं चाहें तो मैं इसका पीडीएफ भी कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड कराऊं। जी हाँ दोस्तों, बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसी बारीकी से आपको शायद ही कोई समझाए। और ये तो लिख लेना, यदि आप यहाँ से हिंदी पढ़ते हैं तो कोई भी एग्जाम हो आपकी हिंदी का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। भूल जाइए, टेंशन छोड़ दीजिए, सिर्फ इसी को दिल लगाकर अच्छे से समझिए और हर एक बात पर ध्यान दीजिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि स्वरों का वर्गीकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया है। एक तो मूल स्वर है, दूसरा है क्या? संधि स्वर। अब सर ये मूल स्वर क्या है? तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति किन्हीं अन्य स्वरों से नहीं होती है, या वे स्वर जो अपने आप में ही उत्पन्न होते हैं मूल स्वर कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्वर वे मूल स्वर कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों से नहीं मानी जाती है, जो अपने आप में ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि यदि आप आ, जे दोस्तों मूल स्वर में आता है, ई मूल स्वर में आता है, ओ मूल स्वर में आता है, और ऋषि, ये चारों क्या हैं? मूल स्वर हैं। अब बात करते हैं सर संधि स्वर क्या है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं संधि स्वर। दोस्तों मैं आपको लेकर आ गया हूं अगली स्लाइड में, आप यहाँ पे देखिए संधि स्वर। दो स्वरों से मिलकर बनने वाले नए स्वर क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। संधि से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? मिलान। जब दो वर्ण या स्वर आपस में मिले तब एक संधि होती है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है संधि स्वर क्या है? दो स्वरों से मिलकर बनने वाले नए स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने जाना था कि स्वरों को भी पंडित कामता प्रसाद गुरु ने दो वर्गों में विभाजित किया है, एक आपका मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। अब दोस्तों जो दूसरा संधि स्वर है इसको भी वर्गीकृत किया गया है दो प्रकार में। दो प्रकार के होते हैं ये, क्या? दीर्घ स्वर और आपका संयुक्त स्वर। बेहद अच्छे से समझना, बहुत डीपली समझा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं समझाने वाला आपको, पैसे खर्च करने पे भी ये नॉलेज नहीं मिलने वाला। पूरे YouTube में जाइएगा, आपको एक छोटी सी बात में पूरी वीडियो खत्म कर देंगे, इतनी गहराई से, इतनी सच्चाई से और इतने अच्छे से कोई नहीं समझाने वाला आपको। ओके दोस्तों, आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों की हेल्प करनी है,
नहीं तो इसी चीज को पढ़ने में आप 10,000 रुपये खर्च करेंगे, तब जाके आपको ऐसा कंटेंट, ऐसा मटेरियल प्रोवाइड होगा। तो इस चीज का मूल समझते हुए अच्छे से ध्यान पूर्वक डेली क्लास लें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको सफलता जरूर मिले। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं यहाँ पर दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर की यहाँ पर डेफिनेशन दी है, दो समान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मतलब कि एक जैसे स्वर जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। अब जैसे कि आप जानते होंगे छोटा आ और बड़ा आ दोनों ही क्या हैं, स्वर हैं। जब ये आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, बड़ा आ, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। अब ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। यहाँ पर इस चीज को नोट करना, यहाँ पर बड़ा आ नहीं है, कट है जी, ओके। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ हो रहा है, यहाँ पर ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो रहा है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ी ऊ हो रहा है। तो दीर्घ स्वर कितने हो गए, तीन, ओके। दो समान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, आ प्लस आ बराबर बड़ा, ई प्लस ई बराबर बड़ी, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, जे हो गए आपके दीर्घ स्वर। चलिए अब हम देखते हैं संयुक्त स्वर क्या होते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और जानते हैं कि सर आखिरकार संयुक्त स्वर क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी दिख रही है, दो असमान स्वर वर्णों के मेल से बनने वाला नया स्वर क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। अभी हमने देखा था क्या दोस्तों, आपने देखा था जब समान स्वर आपस में मिलते थे तब जाके एक आपको पता चला होगा कि दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ था। लेकिन यहाँ पर जब दो असमान स्वर आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, यहाँ पर निर्माण होगा संयुक्त स्वर का। चलिए यहाँ पर देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जब ए का है और यहाँ पर किससे मिलकर बना है, जे आ प्लस ई आपस में मिले तो ए बन गया, ओके। और ऐसे ही आ प्लस ए आपस में मिले तो क्या हो गया, ए। विशेष ध्यान देना, बेहद कंफ्यूज करते हैं बट आपको यहाँ पर संयुक्त स्वर बताए जा रहे हैं और इनकी संख्या डायरेक्टली पूछी जाती है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है बताइए। आपसे पूछ लिया जाता है ए का निर्माण किससे होता है बताइए, आपसे ऑप्शन दे देंगे आ ई, आपसे दे देंगे आ ओ, आ आओ, तो बेहद कंफ्यूजन होता है यदि आपको पता नहीं होता। इसी प्रकार से ओ को देखेंगे तो आ प्लस ऊ आपस में मिलेंगे तब क्या बनेगा, ओ। यदि आप आ और ओ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आओ। दोस्तों हमने यहाँ पर बहुत सी चीजें देख ली हैं। अब चूंकि टाइम जा रहा है ज्यादा, इसलिए हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, ओके। कल हम नेक्स्ट स्लाइड में और कल अगले जानेंगे कि उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। आज हमने देखा है क्या, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। आपने अभी क्या पढ़ा, जरा एक नजर में देखिएगा। आपने पढ़ा स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, आपने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण, आपके पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल स्वर और सी स्वर, आपने जाना व्यंजन, व्यंजन की संख्या, आपने जाना स्वर, स्वर की संख्या, आपने जाना क्या, अक्षर, वर्ण और शब्द, आपने जाना वर्णमाला। चलिए अब हम देखते हैं क्या एमसीक्यू। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं लेकर आ गया हूँ आपको अगली स्लाइड में और यहाँ पर हम जानते हैं एमसीक्यू का टाइप के क्वेश्चन अटेंड करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते ही हैं। आप इनको अच्छे से अटेंड करिए, ओके। यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाला, आपको जल्दी जल्दी आंसर बताने वाला हूँ। तो देखिए उच्चारण की दृष्टि से गा व्यंजन का सही रूप क्या होगा, आपको बताना है उच्चारण की दृष्टि से गा व्यंजन का सही रूप। आपके समक्ष यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, आप देखिए कंठ, स्पर्श, आघोष, अल्पप्राण। चूंकि अभी हम यहाँ पे गए नहीं है तो आपको शायद कंफ्यूजन होगा। कंठ, स्पर्श, घोष, महाप्राण, कंठ, स्पर्श, घोष, अल्पप्राण, कंठ, स्पर्श, आघोष, महाप्राण। तो दोस्तों यहाँ पे पूछी गई है क्या पोजीशन गा व्यंजन का सही रूप आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या है? कंठ स्पर्श घोष अल्प प्राण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ लेंगे तभी ये चीजें समझ में आएगी कि कंठ से स्पर्श से और घोष अल्प प्राण क्या है, अल्प प्राण क्या होता है, घोष क्या होता है, स्पर्श क्या होता है, कंठ क्या होता है। इसलिए बाकायदा डेली क्लास अटेंड करिए, आपको हर एक चीज पता चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस में महाप्राण व्यंजनों का समूह है? आपको अल्प प्राण आना चाहिए और महाप्राण आना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बताइए का खा चा जा, का खा चा झा, का घा ठा ढा, या फिर सा 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 वा। आपको बताना है क्या महाप्राण व्यंजनों का समूह। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, का गा चा झा, जे है व्यंजन है सारे और महाप्राण है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अल्प प्राण या व्यंजनों का समूह है? अभी हमने देखा था महाप्राण, अब आपको देखना है अल्प प्राण। बताइए चारों ऑप्शन आपके समक्ष हैं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाता है क्या, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड, अल्प प्राण, का गा चा जा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला आपका प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, अभी आपने अटेंड किए हैं लास्ट क्वेश्चन, घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका चौथा और राइट आंसर जाता है इसका क्या, चौथा ही, महाप्राण। यहाँ पे क्या बोला है, अधिक, यदि कम होता तो क्या होता, अल्प प्राण। अच्छे से ध्यान देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, कम होती है, घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण। अभी मैंने बताया है कम होती है तो अल्प प्राण, अधिक होती है तो क्या, महाप्राण। इसका राइट आंसर क्या जाना चाहिए, इसका राइट आंसर जाना चाहिए आपका अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्या, निम्न में से किसमें घोष व्यंजनों का समूह है? अब आपको घोष और अघोष आना चाहिए, इसलिए क्लास अटेंड करिए, आपको हर एक चीज बाकायदा बताई जाएगी। यहाँ पर है क्या, गा छा जा झा, गा घा जा झा, गा घा चा झा, और आपका गा घा सा झा। आपको बताना है क्या घोष व्यंजनों का समूह। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गा घा जा झा। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछता है, निम्न में से किस में अघोष व्यंजनों का समूह है? घोष के बाद अघोष, चलिए बताइए, चारों ऑप्शन आपके समक्ष हैं। दोस्तों क्वेश्चन है आपका सातवां और राइट आंसर जाता है इसका क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड, का खा चा छा, ये सारे क्या हैं, अघोष व्यंजन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, व्यंजनों के उच्चारण में जिन स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है उन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण। बताइए, अभी हमने क्वेश्चन अटेंड किए हैं लास्ट में, ये दोनों क्वेश्चन इसी से बने थे। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाएगा क्या आपका, घोष। जिनमें उत्पन्न तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है उनको घोष बोलते हैं, जिनमें नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं, जरा बताइए। व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं, बताओ। अभी मैंने इशारा किया था, क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं कि घोष बोलते हैं कि अल्प प्राण बोलते हैं कि महाप्राण। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा क्या, अघोष। जब उत्पन्न नहीं होगी, कंपन उत्पन्न नहीं होगा तो उनको अघोष बोलेंगे, यदि कंपन उत्पन्न होगा तो हम उनको क्या बोलेंगे, घोष। चलिए मैंने आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चन अटेंड कराए हैं, एक क्वेश्चन की आपसे आशा करता हूँ कि आप इसका राइट आंसर देंगे, कहीं से भी देंगे, कहीं से ढूंढ के देंगे, लेकिन आपको देना है ताकि मेरे को पता चले आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और आप चीजें समझ रहे हैं। क्या है, ए आपका वर्ण का सही उच्चारण स्थान है, यहाँ पर वर्णन लिख गया इसके लिए सॉरी, बट वर्ण है। ओके आपको बताना है ए वर्ण का सही उच्चारण स्थान क्या है, आपको कमेंट करना है कमेंट्स बॉक्स में नीचे।
और कमेंट तब करना है जब लाइव चैट खत्म हो जाए, नहीं तो आप लाइव चैट में करेंगे तो कमेंट हमारे पास नहीं आ पाएगा, इसलिए थोड़ा टाइम ले लें उसके बाद कमेंट करें। आपको बताना है ए वर्ण का सही उच्चारण स्थान। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलिएगा कल आपको सुबह मॉर्निंग में 8 बजे नेक्स्ट आगे का सिलेबस लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।